अमेरिकी प्रतिबंधों पर अब भारत को भी छूट मिल सकती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। आपको बता दें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मंजूरी मिली है, तो भारत को इस बीच जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, इस पर अब CAA TSA से छूट मिल सकेगी। इस बारे में और डिटेल इनपुट आशीष के पास है, इंफॉर्मेशन वॉल के पास हम चलेंगे। आशीष हमें बताएंगे कि आखिर इस खबर के मायने क्या है। ओवर टू यू आशीष। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती में अमेरिका दखल किस तरह से नहीं दे पा रहा है। सबसे पहले भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े कानून काटसा से छूट मिल सकती है और उसको लेकर चर्चा भी हुई है। और रोब खन्ना ने इस पर एक बयान भी दिया है कि किस तरह से भारत की पॉलिसी प्रोक्योरमेंट्स को लेकर इंडिपेंडेंट रहेगी। उसका दूसरा पहलू देखिए, रूस ईरान और नॉर्थ कोरिया से लेन देन पर लागू होता है काटसा। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरह से काटसा को लेकर दूसरा पहलू भी सामने आया है, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है कि अब अमेरिका भारत और रूस के बीच में ज्यादा दखल नहीं दे पाएगा। यूएस प्रतिनिधि सभा के सदस्य ने रो खन्ना ने प्रतिबंधों से छूट की मांग की थी और इसी को लेकर आगे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारत और रूस की S-400 डील पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का असर हो सकता था। ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होने के बजाय कमजोर हो सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। काटसा में छूट से भारत को कोई तरीके से राहत मिल जाएगी। इससे साफ होगा कि काटसा वेवर मिलने के बाद में भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं वो और आगे बढ़ सकते हैं बिना भारत और रूस के संबंध पे इंपैक्ट किए बिना। पूर्णिमा वोट यू। क्योंकि हम काटसा की बात कर रहे हैं और आशीष काटसा को लेकर कुछ डिटेल्स दे रहे थे। काटसा है क्या? काटसा है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैक्शंस एक्ट। अब इसकी डिटेल्स आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका ने दुश्मन देशों पर सख्त प्रतिबंधों के लिए काटसा को बनाया। रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया को टारगेट कर 2018 में इसे लागू कर दिया गया। रूस के तेल, गैस उद्योग, रक्षा क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया से दूसरे देशों के रिश्ते पर सीधा असर इसका पड़ता हुआ नजर आया। कोचर सर, काटसा ये कितना मददगार हो सकता है भारत के लिए जब उसको छूट मिल पाएगी, और क्या काटसा किसी के लिए एक चैलेंज भी है? बिल्कुल चैलेंज था ये हमारे लिए, बिकॉज अगर आप फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की स्टेटमेंट 6 महीने पहले सुनेंगे तो साफ किया था कि हमारी यूनाइटेड स्टेट से बात चल रही है और काटसा से हमको राहत मिलेगी। तो अभी ये राहत सामने आ चुकी है और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेलकम स्टेप है, क्योंकि अभी इंडिया रशिया से S-400 जो हमारे पास आ रहा था, अभी उस पर रोक नहीं लगेगी। हमारे पास अभी एक फर्स्ट कंसाइनमेंट S-400 का आ चुका है। ये जो सिचुएशन बदली उसमें ये भी है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स अपने अलाइज बनाने की कोशिश कर रहा है हर लेवल पे, और शायद मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि देश के हित में सबसे ज्यादा फायदे कहां किसके साथ हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है अपनी पॉलिसी में, अपने निर्णयों में। हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।